फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एक्चुअली हमें. ठीक है, पॉलिनोमियल होगा तो कहेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. इक्वेशन की फॉर्म में आ गया तो हम कहेंगे उसके रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हमें वही जीरोस ही फाइंड आउट करने हैं एक्चुअली. तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है आपकी 3x² माइनस 2 रूट एक्स, रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये क्या होता है कि सिंपल चीज़ें हैं ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बट क्या है, रूट में आ गई तो घबराहट हो जाती है, ओहो पता नहीं ये क्या बवाल आ गया. ठीक है, तो उससे नहीं घबराना आपको. सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म जो है इसके दो टुकड़े करने हैं. अब टुकड़े करने का कोई तो क्राइटेरिया होगा, ऐसे तो है नहीं कुल्हाड़ी से काटेंगे हम इनको, है ना. कोई रूल, कोई रेगुलेशन लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे. तो रूल क्या लागू होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए आप 3x² इंटू 2, तो क्या आएगा ये 6x². ठीक है, इसमें वेरिएबल साथ रखना चाहो तो रख लो, ना रखो तो भी कोई बात नहीं है. यहां वेरिएबल मत नहीं रखोगे तो इसमें भी फिर मत रखना. ठीक है, तो रखो वेरिएबल या नहीं, हटा दूं वेरिएबल. ठीक है, तो सिर्फ ये ही रखो आप कि लास्ट ये कोफिशियंट फर्स्ट और लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लीकेशन किया, 6 आना चाहिए मेरे पास. तो इस मिडिल टर्म के यानी जो माइनस 2x है, ये 2 रूट एक्स है, सॉरी रूट एक्स बार बार आ रहा है, रूट 6 है, 2 रूट 6 है, इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि मेरे पास 6 आ जाए. और रूट 6 इंटू रूट 6 6 आ जाएगा, और उसका सम करने पे 2 रूट 6 आ जाएगा, बट नेगेटिव आना चाहिए. तो दो टुकड़े कर लेता हूं, माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6. कहो कैसी रही, बताता हूं अभी. अभी तो टुकड़े किए ना मैंने, है ना. ये मिडिल टर्म के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट करूं तो ये 6 आए, और सम या डिफरेंस करूं तो 2 रूट 6 आए, है ना. तो दो टुकड़े मैंने ऐसे कर लिए, माइनस रूट सिक्स. अब इनका प्रोडक्ट करता हूं, देखो माइनस रूट सिक्स मल्टीप्लाई माइनस रूट सिक्स, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स 6 आ गया, तो प्लस का 6 आ गया प्रोडक्ट करने पे. तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड. दूसरी कंडीशन है कि माइनस 2 रूट 6 आए, तो इन दोनों का सम कीजिए. देखो माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 6, तो माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 क्या आ जाएगा, माइनस 2 रूट 6. ठीक है नमन, एग्री हो, कोई डाउट अब किसी को इसमें नहीं. चलो अब क्या करेंगे, इस जगह पे हम ये टुकड़े रख देंगे. ठीक है, तो इस जगह पे हम ये टुकड़े करेंगे. ताने जोर से मत बोलो बेटा. इस जगह पे टुकड़े रखेंगे, देखो 3x² माइनस माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, x कॉमन आ जाएगा. तो x कॉमन आ गया, देखो यहां से बच गया 3x माइनस रूट 6. यहां यहां क्या कॉमन लूं, एक मिनट, हाँ टू रूट टू ऐसा क्यों करूं, तुम क्या कह रहे हो, थ्री रूट टू आ जाएगा, रूट टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री रूट टू आ जाएगा. पर यहां तो टू है ना अपने पास, टू है ना अपने पास, तो इन दोनों में क्या कॉमन लूं मैं कि ऐसा बच जाए 3x माइनस रूट 6, ऐसा कुछ आ जाए. तो रूट 3x कहाँ बचा इसमें, तो रूट 6x है. मैं बताता हूं, ठीक है कैसे करना है इसको. देखिए रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, और रूट 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं. कोई रोकेगा मेरे को, कोई नहीं रोकेगा. तो इसको मैं लिख लेता हूं रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 को क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स
प्लस टू को भी लिख सकता हूं रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूं ना। आगे हो नहीं रहा क्वेश्चन, तो मेरे को कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं छोड़ सकता मैं यूं कह के कि हो सकता है बोर्ड वालों ने पेपर गलत दे दिया हो, क्वेश्चन गलत हो गया हो, है ना। पहली कोशिश तो मेरी यही रहेगी ना कि मैं सोल्व करूं इसको, तो इसमें कॉमन आ सकता है। देखो अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, रूट थ्री एक्स कॉमन आ सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो रूट थ्री एक्स कॉमन आ गया, यहां से बच गया रूट थ्री एक्स, क्योंकि x बाहर चला गया एक, तो एक यहां बच गया, स्क्वायर था ना, एक रूट थ्री बाहर चला गया, माइनस यहां क्या बच जाएगा रूट टू, ठीक है, माइनस यहां क्या कॉमन ले लूं रूट टू, ठीक है, ये बच गया रूट थ्री एक्स, और ये माइनस माइनस रूट टू कॉमन लिया है मैंने, यहां माइनस है नहीं तो ये माइनस माइनस के लिए रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखो ये दोनों कॉमन हो गए, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, ये दोनों कॉमन हो गए। तो अब ये दोनों कॉमन ले लेता हूं इसमें से मैं, ठीक है। सो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बच क्या गया, यहां से बच गया रूट थ्री एक्स, और यहां बच गया माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, सेम ही आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो दो टर्म्स आई मल्टीप्लीकेशन में है, इनका प्रोडक्ट जीरो है, यानी या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तो मैं रख लेता हूं इनको जीरो के इक्वल, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू, और एक्स इक्वल टू रूट टू बाय रूट थ्री, दिस विल बी योर सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों क्योंकि सेम ही है तो दूसरे का भी सेम ही आंसर आएगा, यानी एक सॉल्यूशन आ गया, एक्स की एक वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। वैल्यू दो हैं पर दोनों क्या हैं, सेम हैं, ठीक है।